अस्सलाम वालेकुम। हमने ये आलू को फ्राइज़ की तरह काट दिए और अब हम उन्हें फ्राई कर रहे हैं नमक लगा के। पानी में थोड़ी देर रखना है और फिर हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। एक पैन में ऑयल लेंगे, ये हम अब चिकन को बॉईल करने के लिए ले रहे हैं। चिकन को पकाने के लिए हम उस पैन में ऑयल लेंगे। हमने पैन लिया, उसमें हमने ऑयल लिया और जो हमने पहले से बॉईल किया हुआ था बोनलेस चिकन, उसको हम अब इसमें फ्राई करेंगे। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। और साथ में अपने चिप्स। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। चिली सॉस। और सोया सॉस। ये सब हमने चीज़ें एक एक चम्मच डालनी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही टेंडर सा फ्लैशी सा हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। देखिए अब वो कितने अच्छे से उसका कलर आ गया है। चिप्स भी हमारे काफ़ी हद तक तैयार हो रहे हैं। अब हमने चीज़ लिया और उसको हम छोटे छोटे पीस में ये मैश कर लेंगे। आप जितनी मर्ज़ी चाहे डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी पसंद है चीज़। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उसमें डाल देंगे। अब हमारी चिप्स भी रेडी हो रही है। बस हमारी चिप्स रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से। एक बाउल लेंगे, उसमें हम अपनी जो चिप्स हमने बनाई है फ्राई कर की है उसे निकाल लेंगे। देखें चिप्स हमारी रेडी हो गई है। अब इस पे हम मोज़रेला चीज़ जो हमने ली है मैश की थी वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिए इसे अपने घर में। अब उसके ऊपर हम एक और लेयर चिप्स की डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर मज़ीद मोज़रेला चीज़ डालेंगे। जस्ट लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। एंड ये इतना अच्छा टेस्ट कर रहा था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। अब जो हमने चिकन
मज़े से हमने सोया सॉस वगैरह और डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई किया था, हमने जो चिकन को बॉईल किया था अब हम उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे, सारा डाल लेना है आपने। ये बहुत मज़े का था, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने उसके ऊपर और मैश करके चीज़ डाल दी। हम इसको माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे ताकि जो चीज़ हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके अंदर, और वो बहुत अच्छा लगेगी। थोड़ी देर के लिए अब इसे माइक्रोवेव ओवन में डाल दें और कुछ ही देर बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी।